तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज 7 जो होती है, जो डेस्कटॉप होता है, उसमें हार्ड रीसेट कैसे लगा सकते हैं। तो आएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टेक कंटेंट मिलता है डेली वीडियो अपलोडेड। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंडो आइकन पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, तो फिर आपके खुल जाएगा। तो गाइज, मैं एक और बार दोहरा दूं, आपको विंडो आइकन पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद कंट्रोल पैनल्स पे जाना है। कंट्रोल पैनल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम एंड सिक्योरिटी दिख रहा होगा, यहाँ ये रहा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बैकअप एंड रिस्टोर दिखेगा, बैकअप एंड रिस्टोर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी, यहाँ पे रिकवरी सिस्टम ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा। ए गाइस, ये वाली लाइन नीचे वाली, ये वाली लाइन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से उसी लाइन पे क्लिक करना है, यही एक सेकेंड, ये वाली लाइन पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, रीइंस्टॉल विंडोज़, और फिर यहाँ से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद गाइज, मेरा आपको यहाँ से यस कर देना है। इसे मेरा डेस्कटॉप थोड़ा स्लो हो रहा है, क्योंकि चीज़ें भर रही हैं इसमें, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आपको यस करने के बाद आपको यहाँ से बैकअप एंड रिस्टोर नहीं लेना है, आपको इसे स्किप कर देना है, क्योंकि आप रिस्टोर ले लोगे सारी फाइलें तो दोबारा से आपका कंप्यूटर भर जाएगा। तो आपको यहाँ से स्किप करने के बाद आपको यहाँ से रीस्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ से रीसेट हो जाएगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्यूटर होगा वो रीस्टार्ट होने लगेगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ होने के बाद वो दोबारा से ऑन होगा। तो वीडियो ज़रा मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप नहीं मतलब थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आपको सही से पता लग जाए। से ये कंप्यूटर जो है स्टार्ट होने लगेगा। अब आपको यहाँ से अपना नाम डाल लेना है, जो भी आप नाम डालना चाहो कुछ भी डाल दो, वह तो मैं नाम तो नहीं डालता हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है। तो यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देते हैं, नाम डाल के क्या फ़ायदा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से यस कर देना है, आप यहाँ से इस सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, आपको इसे भी यस करना है अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना है बस, और यहाँ से रीट्राई मारना है, और अगर रीट्राई नहीं होता तो आपको कैंसिल कर देना है, तो नहीं हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से आपका कंप्यूटर दोबारा से ऑफ होएगा, ऑफ होने के बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होएगा दोबारा से यहाँ से। तो मैं दोबारा से वीडियो ज़रा फॉरवर्ड कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड। यहाँ से अब जो इसे चालू होने वाला है, यहाँ पे अब चालू होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, विंडोज आपकी सेट हो चुकी है, बस आपको जो काम करना था हो गया, अब बस कंप्यूटर चालू हो जाएगा। यहाँ पे तो देख सकते हैं आपकी विंडोज जो थी यहाँ पे वो आ चुकी है। अब आप यहाँ से इसे कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी चलाइए, ना हैंग करेगा ना कुछ करेगा, आपका कंप्यूटर बड़ा स्मूथ वर्क करेगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नोटअप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।